नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा शेंडे और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पैसा ना होने पर गरीबों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते निजी अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट का है आदेश। जी हाँ, आपको बता दें, कोई गरीब है और उसे इलाज की तुरंत जरूरत है तो प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है जो कोर्ट ने कुछ समय पहले ही सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिल्ली के अस्पतालों को लेकर सुनाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जितने भी निजी अस्पताल सरकार की जमीन पर बने हैं उन्हें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करना होगा। यह आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली के 4 अस्पतालों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त मुहैया कराने होंगे। दूसरी तरफ ओपीडी में कुल मरीजों का 25% गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए होगा। इतना ही नहीं, अगर इन निजी अस्पतालों ने गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं किया तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि जिन अस्पतालों ने सरकार से सब्सिडी पर जमीन ली है उन्हें भी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देनी होगी और जो अस्पताल इस आदेश को नहीं मानेंगे वो अदालत के अवमानना के जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर ऐसे सभी अस्पतालों पर पड़ेगा जिन्होंने रियायती दर पर सरकार से जमीन ली है। आपको बता दें कि इन अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जानकारी के अनुसार निजी अस्पताल ऐसे मरीजों के शव उनके परिवार वालों को सौंपने से मना नहीं कर सकते हैं जिनकी मृत्यु उपचार के दौरान अस्पताल में हुई है और उनके परिजन अंत्येष्टि से पहले बिल का भुगतान करने में असमर्थ हो। लेकिन सरकार के नुमाइंदे ने ये भी साफ किया कि इस प्रस्ताव का तात्पर्य यह नहीं कि बिल माफ हो गया। अस्पताल उन परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं जो बाद में भी बिल का भुगतान नहीं करेंगे। न्यूज रूम से कैलाश सिसोदिया।